तो पलवल से खबर है, डिपो होल्डर पर आरोप लगा है गरीबों के हकों पर डाका डालने का। राशन कार्ड धारकों ने डिपो होल्डर पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। राशन वितरण के समय डिपो होल्डर अभद्र व्यवहार करता है, शिकायत के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पलवल के वार्ड नंबर 5 के डिपो होल्डर की तरफ से गरीबों के हकों पर डाका डालने का मामला सामने आया है। राशन कार्ड धारकों का आरोप यह है कि डिपो होल्डर की तरफ से राशन का वितरण करते समय उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन को डकारने के मामले में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले डिपो होल्डर पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें हैरत की बात तो यह है कि लोगों की शिकायतों के बावजूद विभाग इस डिपो होल्डर पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। पहले लेन में लगावे को और चाहे ससुराल दुनिया भर में जाओ, चाहे सुबह के बैठे हम 8 बजे के, चाहे 4 बजे नंबर आवे, चाहे आत्मा में खून होता वाई टेम्प नंबर लेगो और हमारो यू लगा ले अपने जानकार कोई चेयरमैन आओ चाहे कोई आओ, आजा भैया दिखाओ फोन करे हम राशन कार्ड भैया दे इसे, कोई बोले उसकी बोलती बंद, राशन लेना नहीं लेना तुम्हें, राशन लेना नहीं लेना तुम्हें। अभी किसे धमका रहे थे? मैं तो अब देखूंगी आके हाथी दे काट के और उस शुक्राम बारस सबके हाथ में पर्ची दे देगो नंबर लगाए के, फिर अपने इधर कोई सीरक में बैठो चाहे कोई अपने घर जाओ अपने काम करके आओ, ऐसा कर लेगी तो बढ़िया ना रहेगा। ज्ञान सिंह नाम है। ज्ञान सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? इस्लामाबाद में। अच्छा, राशन डिपो पर राशन लेने के लिए आए आप, क्या मिल रहा है? आज तेल और चीनी बांट रहे, कल गेहूँ बांटे। कल गेहूँ बांटे जी। तो राशन कार्ड में कितने सदस्य हैं आपके? 5 मेंबर है। 5 मेंबर है। कितना गेहूँ मिला था? 25 किलो। 25 किलो गेहूँ। अच्छा, कभी ऐसा भी रहा है कि आपको तेल चीनी या गेहूँ नहीं मिला हो? इससे पिछले महीना पे तेल ना मिला, चीनी ना मिली, खत्म है वो। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहाँ के दर्रा खेड़ा के एक मकान की छत